उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए वहां आसपास रहने वाली महिलाओं ने प्रार्थना की। महिलाओं ने सिलक्यारा टनल के बाहर पहुंच करके सभी मजदूरों के सकुशल बाहर आने की कामना की है, पूजा अर्चना की है, लगातार प्रभु से वो प्रार्थना करती दिखाई दी। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। आप भी आई हैं, ये गांव में भी चर्चा हो रही है कि यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। हाँ भैया, सारा ही हो रही है चर्चा। तो गाँव के लोग क्या कह रहे हैं? सब यही कह रहे कि बाहर निकल जाना चाहिए उन्हें, आज तक बहुत दिन हो गए, अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। 13वां दिन है आज, अब आप क्या भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, दुआ कर रही हैं? हाँ जी, आज निकल जाना चाहिए उन लोगों को बाहर। क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में इतने दिन कैद रहे तो उसके सामने दिक्कत होती है? यहाँ पर टनल में 41 मजदूर 13 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ भैया, दुख हो रहा है आपको? हाँ। क्या भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना बाहर आ जाए, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या कहेंगी? जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकाल जाए, मजदूरों को बाहर आना चाहिए। हाँ जी। सरकार और एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लग रहा है बेहतर काम हो रहा है? हाँ जी। आप क्या कह रही हैं? बेहतर काम हो रहा है, बाहर निकाले उनको जल्दी से जल्दी, अपने घर पहुंच जाए बस। और इधर उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म सही हो गया है, जिसके बाद मुड़े पाइप को काटने का काम अब शुरू हो गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के लोग आपको दिखाई देंगे, जो तेजी के साथ जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए हैं। सुरंग के अंदर पाइप की कटिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग मशीन की भी मदद ली जा रही है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म सही करते हुए मशीन की तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक सुरंग के अंदर की तस्वीर है और दूसरी सुरंग में ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। ऑगर मशीन, जिसके जरिए जो पाइप है उन्हें आगे धकेला जाता है, उसका प्लेटफॉर्म फिर से ठीक किया गया और उसके बाद में फिर से ऑगर मशीन अब काम करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जो बचे हुए पाइप्स हैं, 3 से 4 पाइप्स और लगाने हैं मजदूरों तक पहुंचने के लिए, उन्हें जोड़ना शुरू किया जाएगा। इधर सिलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें पहुंच चुकी है और टनल के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग के लिए सड़क भी तैयार की जा चुकी है। इंजीनियर्स को इंतजार है तो बस अब प्रशासन के आदेश का। प्रशासन से हरी झंडी मिलते ही अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान बी के तहत शुरू की जाएगी और प्लान बी तब शुरू होगा जब प्लान ए कामयाब नहीं होगा। दरअसल ये मशीनें आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो वहां पर तैनात कर दी गई है। अभी फिलहाल कोशिश ये है कि सिलक्यारा की ओर से जिस तरह से पाइप अंदर डाली जा रही है, वहां से स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जाए, लेकिन अगर किसी तरह की बाधा आई तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी प्लान पूरी तरह से तैयार है। 15-16 तारीख से हम जो यहाँ पे मैनेजमेंट के डायरेक्शन पे यहाँ पे रेस्क्यू में हेल्प करने के लिए आए हुए हैं और जो फर्दर यहाँ पे जो अथॉरिटी है उन्होंने हम लोगों को एक प्लान दे रखी है। जो प्लान हम लोगों ने 5 प्लान चौक आउट की थी, उसमें से एक वर्टिकल रेस्क्यू टनल बनाने के लिए जो 1.2 मीटर डाया की जो वर्टिकल शाफ्ट बनाने, उसके लिए जो मशीन से हमारी आपके सामने हैं यहाँ पे, ये इरेक्ट हो चुकी हैं। कल हम लोगों को बोला कि आप असेंबली तैयार करके इसको जो वो ऊपर लोकेशन के लिए मूवमेंट के लिए तैयार कर दीजिए। तो ये आपके सामने जो हमारी मशीन जो वो रेडी है, जैसे अब फर्दर हमारे को क्लियरेंस मिलेगी हम इसको मूव कराएंगे। अभी BRO और जो इसका मैकेनिक ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो कल पूरा सर्वे कर चुका है। उन्होंने बोला कि सड़क जो है वो जाने काबिल है, चली जाएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो BRO जो वो हेल्प करने के लिए तैयार है, वहाँ वाइडनिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, अदरवाइज वो कल सर्वे कर चुके हुए हैं। हमारे को ये मैसेज दिया कि हम चले जाएंगे उस रोड तो में। आज से आप लोग ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे क्या? नो, आदेश होगा, हमारे को आदेश होगा तभी करेंगे। सभी मशीन चढ़ा के आप रखेंगे ऊपर? चढ़ाने के लिए भी आदेश होगा तभी, अदरवाइज हम लोगों ने तो इस लोकेशन पे जो रेडी रखा है, अभी हम मूवमेंट के लिए क्लियरेंस के। सिलक्यारा सुरंग में हैवी मशीन लगातार काम कर रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले ही मशीन के इस भारी कंपन की वजह से खबर ये आई कि एक मलबा गिर गया है और इसके बाद इसमें एक नई बाधा आई। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब एक नया प्लान तैयार किया, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर लिया गया है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल आगे की योजना क्या है।
ये आप तस्वीरों में देखिए। प्लान बी क्या है, जिस तरह से इस सिलक्यारा की तरफ से अभी ड्रिलिंग की जा रही है, मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्लान बी और प्लान सी भी तैयार किया गया है। अगर इस प्लान में बाधा आई तो पहली ड्रिलिंग 90 मीटर की जाएगी प्लान बी के तहत, और ये इस तरफ से एक रास्ता बनाया जाएगा ताकि मजदूरों तक सुरक्षित इस टनल में पहुंचा जा सके। लेकिन पहली ये जो ड्रिलिंग है 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी, और इसके लिए भी ये प्लान तैयार कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये रास्ता बनाया जा रहा है, अगर इसमें बाधा आती है सिलक्यारा की तरफ से जाने के लिए, तो ये मशीनें तैनात है और ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, ऊपर से रास्ता बनाया जाएगा और इन मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता तैयार होगा, और ये मशीनें बाहर तैनात भी कर दी गई है। आदेश का इंतजार है कि क्या ये सफलतापूर्वक मिशन आगे बढ़ रहा है या अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्लान तैयार रखा गया है, यानी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश और मुकम्मल योजना प्लान सी तैयार किया गया है। ये प्लान सी क्या है, तस्वीर देखकर समझिए। दरअसल डंडाल गांव है, इस तरफ सिलक्यारा और इस तरफ डंडाल गांव, बीच में मजदूर फंसे हुए हैं। अब एक प्लान सी के तहत योजना बनाई गई है, दूसरे छोर से डंडाल गांव की तरफ से खुदाई की जाएगी, और इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए जो बीच में एक बड़ी बाधा बने हुए हैं, तकरीबन 3 बड़े धमाके ब्लास्ट भी किए गए हैं ताकि क्रैक किया जाए और ड्रिल करके अब वहां से रास्ता बनाया जाए। मतलब यह है कि अगर इस तरफ सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ गई, कोई बाधा आ गई, तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, वहां से रास्ता बनाया जाएगा। डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए भी पूरी योजना मुकम्मल कर ली गई है। पिछले 13 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम अब और तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम मजदूरों से सिर्फ 14 मीटर की दूरी पर है। उम्मीद यह है कि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये हम 5 तस्वीरें आपको इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन 14 मीटर की मात्र दूरी, 41 मजदूर अंदर फंसे, और आज खुशखबरी मिल सकती है। जिंदगी की जंग हौसला बुलंद, ऑगर की दहाड़ टूटेगा पहाड़, सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए मैराथन जंग में हर पल एक नई फतह हासिल हो रही है। हर बीतते वक्त के साथ बचाव कर्मियों का दल लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्रिल भले ही बीच बीच में रुक रही है, लेकिन काम नहीं रुक रहा है और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। इस पहाड़ में बने 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के बीच आधे किलोमीटर में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसे में आज शाम तक खुशखबरी आने की उम्मीद है। रास्ते में अड़चने जरूर आई है, लेकिन उन्हें दूर किया गया है, और अब महज 14 मीटर और पाइप डाला जाएगा तो मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी और उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। 48 के बाद, क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को, 46 पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है, तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे। इससे पहले गुरुवार की सुबह ही उम्मीद थी कि मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, लेकिन बुधवार की रात एक रुकावट आ गई जिसे दूर करने में 5-6 घंटे का वक्त लग गया। दरअसल ड्रिल करने के दौरान मलबे में सरियों का जाल सामने आ गया था, जिसे काटने के लिए पाइप के जरिए बचाव दल अंदर गया और गैस कटर की मदद से सरियों को काटा गया और ये बाधा दूर की गई। इस बाधा को दूर करने के लिए अनुमान लगाया गया कि 12 से 13 घंटे में ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन गुरुवार की रात एक और रुकावट सामने आ गई। ड्रिल मशीन ने काम करना बंद कर दिया और ड्रिल का काम रुक गया।
Oh, it should be running again tomorrow. But I've got to say, from my personal point of view, because it's night time and there's no one here listening, our secret conversation, this will be the third time the machine has broken, so I'm becoming a little bit impatient with that machine, because that's three times that we've thought that machine was going to deliver these 41 people to us, and it's failed. So... इससे पहले गुरुवार को मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंची, जिन्होंने सुरंग के अंदर जाकर उन मजदूरों से बात की जो बीच में फंसे हुए हैं। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब यहीं पर अपना कैंप कार्यालय बना लिया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी में ही मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर मजदूरों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, जिन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। वहीं मजदूरों तक लगातार पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें दाल चावल सब्जी भरकर पाइप के जरिए उनके पास पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास दवा और दूसरी जरूरत की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अब रेस्क्यू पाइप बहुत नजदीक है और जल्द ही श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।